जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं जेश मेरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। श्रोमणी कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगवीर कौर का आया बड़ा बयान। अगर देश के प्रधानमंत्री को सिखों की कुर्बानियों की चिंता है तो जल्द ही खेती कानूनों को रद्द करें। श्रोमणी कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगवीर कौर की अध्यक्षता में अमृतसर कार्यालय में एक आंतरिक समिति की बैठक हुई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कामकाज को चलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बीबी जगीर कौर ने जहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बलवंत सिंह राजवाना के वकील के लिए 11 लाख रुपए देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है, उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण मंदिर में सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, क्योंकि बिजली के लिए 60 लाख से 70 लाख रुपए प्रति माह का बचत होगी। आगे बोलते हुए बीबी जगीर कौर ने कहा कि किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिम समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि एसजीपीसी ने पत्रकार बीबी नवनीत कौर की रिहाई की मांग की। कहा कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिखों द्वारा दी गई शहादतों को बुलाया नहीं जा सकता तो इन बिलों को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। नहीं, वो तो बार बार कही जा रहे हैं, जे हक च होण ते इन्हां नूं चा हुंदा कि इन्ने लोग जिहड़े अपनी जानां गवां रहे, जे हक च होण ते हुण ते कल्ले प्रधानमंत्री जी दी गल नहीं रह गई, हुण ते मुल्कां दे लोकां नूं पता लग गया भी साडे हक च नहीं। चलो देखो जी, गल ये सिखां दी ते देश दे प्रधानमंत्री दी लड़ाई नहीं है, ये देश दे किसानां दी लड़ाई है, ये देश दे किसानां दे हक्कां दी गल है। सिखां दी लड़ाई जिहड़ी हुंदी है, उसी सिखां ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी धर्मजद मोर्चे ला के गुरद्वारा सुधार ला के असीं लड़ लईआं ने, असीं कुरबानियां दे लईआं ने, और जिथे सिखां दे मसले होणगे असीं लड़ाईआं करांगे, असीं जुरत ना करांगे। पर ये किसानां दा मुद्दा है, ये कला आपां इह ना कहीए कला सिखां दा ते देश दे प्रधानमंत्री दा मुद्दा है, ये देश दे किसानां दा मुद्दा लैके तुरो, इहनूं कले सिखां नाल समझो कि कले सिखां दा मुद्दा। हाँ, सिख जिहड़े आ उह जूझ के लड़दे आ हर गल वास्ते, हक्कां वास्ते, तां उह ज़्यादा दिसदे उहनां नूं कि कले खाली सिखां दा मसला। सिखां दा मसला क्यों बणांदे आ जी, इहनूं बणाओ देश दे किसानां दा मुद्दा। मसला इह है कि जो उह कर रहे आ असीं उहदी निंदा भी करदे आ और वह गलत कर रहे हैं। देश के लोगों के हक मिलने चाहिए है, देश आज़ाद साड़िया कुरबानिया ना ही होया, जे देशवासियों अज माण है अपने देश की सरकार उत्ते तो देश की सरकार का भी फर्ज बनता कि उन्होंने आवाज़ न सुन सक। जिन्हों तो देखो जी जोत जगती होंगी ना जी, उन्होंने बिजाना चाहता हर कोई, सिखा की यह मतलब सिखा की धाक हैगी, जोत तकड़ी है, इस करके उन्होंने तो लोग डरते। पता करो जी, साडा परिवार है, असीं आपे कर लांगे। देखो दोषी कौन है कौन नहीं है, वो हालात उत्थे दस सकते, मैनू तो पता नहीं हुंदा भी दोषी कौन है, उत्थे की हालात बने हुण ते वो जिहड़ी सरकार है सारा कुछ आप ही करा के, एजेंसियां ने आप करवा के अज दोषी दूजे नूं करार करदे है, ते फिर सरकार की करदी सी उस वेले, सरकार ने क्यों अपने प्रबंध जिहड़े सीगे कीते, उह ते आप ही देख रहे सी, जो जा रहे सारे किले वल नूं ते आप तोरे सारिआं नूं, ते किले ते जाणा कोई पाप नहीं सीगा, जो चले भी गए सीगे जे उत्थे निशान साहिब भी चढ़ा दित्ता ते किहड़ा कोई पाप हो गया सीगा। एड्डा वड्डा जुल्म नहीं करना चाहिए कि इन्नी कुट, इन्ना मार, इन्ना जुल्म उत्थे कीता गया, उत्थे कोई भी सट्टा लगी है। मैं तो यह भी कहनी हाँ कि जे साडे सैनिकां ते भी सट्टा लगी है, हुण जे साडे पुलिस कर्मचारियों ते लगी, वह भी माड़ी गल है, मैं तो इस गल दी भी निंदा करदी, नहीं होना चाहिए ये गल। नहीं, वह असीं बना रहे हैं जी, उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आप उत्थे 100 साल, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आप उत्थे 100 साल मना रही है जाके। उत्थे समागम, धार्मिक समागम ही होणगे जी, कवि दरबार कह लो, गुरमत समागम कह लो, जां उत्थे जिहड़े समागम लीके जा रहे आ उत्थे जाके मनाउणगे। असीं 2 मार्च नूं मुड़ के रखिआ कि 2 ड्यूटी लाई, इक चीमा साहिब उत्थे जिहड़े मंत्री रहे आ MLA साहिब, उन्हां ही ड्यूटी लाई है, इक असीं जिहड़े आए सीगे संत हरिद्वार साहिब तों
बाबा ज्ञान देव जी उन्हें ड्यूटी लाई है कि तुम आप भी जाके मिलो तो मैं भी टैलीफोन के कल संपर्क कर दी से संपर्क नहीं हो सकिया कि मुख्यमंत्री जो टाइम लै सकी तो असं उत्थे क्योंकि सानू पता लगे जी पिछली कमेटी ने जो काम किया थोड़ा जहा और असं कार्रवाई पढ़ी सी असी सोचा कि आप जाके उन्होंने असी रिक्वेस्ट करिए तो थान देखिए भी कि केंद्र है भी तुम इतने इन्नी लै लो इतने इन्नी लै लो जाके देखिए सही मेन मकसद तो है भी गुरु साहब उत्थे गए जिथे वो जगह तो रहे है वह जगह किन्नी क है सानू किन्नी देंदे है वो कोई होर सानू जगह कितने क देंदे है वह सारी देखने वास्ते जब तक असं आप नहीं जाते जरा असी कोई एक दो भेज दें फिर उन्होंने को पूरी नहीं हो सकती इस करके मन बनाया कि जी सारे जाने जाके एक बार मीटिंग कर लीए तो उस मुख्यमंत्री हालात बारे जान देखो असी मैं सारे डायरेक्टोरेट वास्ते मैंबर नामजद कर दते है डायरेक्टर भी लाती है वाइस डायरेक्टर भी लाती है डिप्टी डायरेक्टर वो वास्ते हूँ मैं मीटिंग कर लगी हाँ सिलैक्शन कमे वो सिलैक्शन करे क्योंकि उन्होंने बकायदा ट्रायल करा के सिलैक्शन करनी है असी तीन कथावां उत्ते असी चुन लिया जी पी ए पी जलंधर भी देख ली जी टैरिफ बनी हुई है इधर अमृतसर भी है चंडीगढ़ भी है इन्हों तिना थावान से कुड़ियों ले जाके खड़ाया करेंगे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना के विधायक संजय तलवाड़ की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती मीनू तलवाड़ की आंतरिक शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण पाठ का भोग एवं अंतिम श्रद्धांजलि सभा आज दोपहर 1 बजे मां वैष्णो देवी धाम 32 सेक्टर नजदीक चंडीगढ़ रोड लुधियाना में रखी गई, जिसमें हजारों लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती मीनू तलवाड़ को जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए वहीं विधायक संजय तलवाड़ व उनके परिवार के साथ इस अत्यंत दुख की घड़ी में शामिल होकर दुख साझा किया। पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भेजा गया शोक समाचार स्वर्गीय श्रीमती मीनू तलवाड़ की शोक सभा में पढ़ा गया और आए हुए सभी सियासी नेताओं ने व शहरवासियों ने व विधायक संजय तलवाड़ को अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि दी। बाद में विधायक संजय तलवाड़ ने आए हुए सभी शहरवासियों दोस्तों व रिश्तेदारों का धन्यवाद किया। इस सारे ने वो चार दिन दे विच मेरा ख्याल है कि मेरे परिवार ने उन्होंने एक मेरे ते मान रहा है और स्पैशल मीनू नूं बड़ा मान सी मेरे ते कि हर मुश्किल दे विचों निकल आंदा है ते इस मुश्किल चों भी वापिस आ जाएगा, लेकिन बड़ा वड्डा बिग लूजर तुहाडे सामने अज खड़ा है जिहड़ा ये जंग हार गया। मेरे दोस्त मेरिया दोनों भैनां जदों मेरे नाल सी ते मेरा ख्याल है कि लाइफ के 50 साल किसी ने मेरे परिवार ने मेरी अखा जानसू नहीं देखे, शायद परमात्मा ने वो कोटा बचा के रखे से वो चार दिन वास्ते बार बार मैं दिलासा दे रहे सी कि संजय तुसी दोनों ने किसी का बुरा नहीं किया तो इदा का नहीं होएगा, उन्होंने सकाल पुरख अगे या उस परम पिता परमेश्वर अगे उस परमात्मा अगे ना मेरी चली ना साढ़े परिवार की चली। मैं थोड़ा सारे का कोटि कोटि धन्यवाद करदा अपने वालों अपने परिवार वालों और इस उम्मीद के नाल क्योंकि वो बहुत ही पाइस सोल सी उन्होंने परमात्मा अपने चरण च निवास ही बख्शेगा, शरीरिक रूप में साडे नाल नहीं है लेकिन आत्मिक रूप में भी साडे परिवार के नाल हमेशा रहेगी। जिहड़ियां असी अनाउंसमेंट्स सुशील जी ने कीतियां ये साडी फैमिली वालों है क्योंकि कितना किते उहदी भी कुछ इच्छा सीगी जिहड़ी असी पूरी नहीं कर सके अगर इस जगह पर, क्योंकि ये देखो होनी कितनी अटल है ये जगह MLA बनने तो बाद असी इस जगह नूं बाउंड्री वाल कीता कि इत्थे असी आ काम करने हैं और लास्ट ईयर कोविड दे विच भी असी इत्थे सेवा करते रहे और लास्ट ईयर होली का जो प्रोग्राम ये मनाते हैं तो इसी जगह पर असी होली का प्रोग्राम मनाया और उस परमात्मा नूं की मंजूर सी कि मैनूं इस जगह पर उहदी अंतिम अरदास करनी पई ते जिहड़ी असी अनाउंसमेंट की चाहे वह स्कूल्स बनाउण दी है चाहे वह होस्पिटल बनाउण दी है ये जिहड़ा कंट्रीब्यूशन है साडी पूरी फैमिली वालों है
तो मैं दोबारा थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता। ओम शांति। लुधियाना से जसविंदर और विकास की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए विवादों में आई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से किसानों के खिलाफ ट्वीट करके फिर से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किसान हरसिमरत सिंह सिद्धू ने एडवोकेट कुलजिंदर सिंह संधू और एडवोकेट स्नेहप्रीत सिंह मान ने माध्यम से JMIC श्री मनदीप सिंह की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दायर किया है। दायर मामले के विवरण का खुलासा करते हुए अधिवक्ता कुलजिंदर सिंह संधू ने कहा कि कंगना रनौत प्रचार के लिए समुदायिक भावना को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान हरसिमरन सिंह सिद्धू ने मानवीय अदालत में विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है और कंगना रनौत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए माननीय अदालत से मांग की है। अपने हरसिमरन सिंह सिद्धू वालों कंप्लेंट केस फाइल किया गया, एडवोकेट मैं स्नेहप्रीत सिंह मान असि दोनों एडवोकेट हाँ। कंगना रनौत जो फिल्मी एक्ट्रेस है उसके खिलाफ जिहड़ा ये कंप्लेंट फाइल की है सैक्शन 499 500 506 153 153 A 153 B IPC अते सैक्शन 67 इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत कंप्लेंट फाइल की। अज अगली तरीक 15/2 दे लई निर्धारित है, उहदे विच जिहड़ा प्री समनिंग एविडेंस होनी है कंप्लेनेंट धिर दी उस दे लई इह फिक्स की गई है। गल करिए संधू साहब एक केस दे विच है की मेन की है केस? ये केस दे विच जो मेन कंगना रनौत ने ट्वीट किए अपने ट्विटर दे उत्तों वह बड़े भड़काऊ भाईचारक सांझ दे विच त्रेड़ा पाउण दी कोशिश कीती है। उन्हें जिहड़े किसान दिल्ली बॉर्डरां ते बैठे आ पिछले 75 दिन तो करीब उन्हां नूं बड़े माड़े लफ्ज़ां दे नाल संबोधन किया, अतवादी वक्खवादी कैंसर तक दा नाम दिता गया कि कैंसर ट्रेस हो गया इन्हू हुण आपां रिमूव करना। इस करके भड़काऊ बयानबाजियां करके ये सिक्योरिटियां लैके वाई श्रेणी दियां ये समझदे पता नहीं कोई ये वड्डे लीडर बन जाणगे जां कोई इन्हां MP बन जाणगे राज्यसभा चले जाणगे, पर इस तरह के जिहड़े इस तरह के हथकंडे इन्हां नूं नहीं बनाउणे चाहीदे। मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पठानकोट के DC श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला प्रशासन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 56 नई सेवाओं को शुरू करने के अभ्यासी समारोह में भाग लिया। इस दौरान श्री सुरेंद्र सिंह अतिरिक्त उपायुक्त जनरल श्री राम लुभाया जिला संपर्क अधिकारी सुरेश कुमार जिला प्रबंधक सेवा केंद्र और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला प्रशासनिक कम्प्लेक्स से शामिल होकर केंद्रों में मौके पर सेवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर संयम अग्रवाल DC पठानकोट ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने का प्रयास बहुत सराहनीय था। उन्होंने कहा कि पहले ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार बार से जिला मुख्यालय और उपमंडल कार्यालय का दौरा करना पड़ता था जिसमें समय और पैसे का खर्च होता था। नमस्कार। पंजाब सरकार वालों जैसे कि आप सबको पता है पहले ही लोगों की सुविधाओं के लिए सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं जिससे वो अपने घर के नज़दीक ही सी सेवा केंद्र पर जाके बहुत सारी सर्विसेज पहले ही अवेल कर रहे थे। तो इसी में एक बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए 56 न्यू सर्विसेज गवर्नमेंट ने सेवा केंद्रों के थ्रू कर दी है जिसमें 35 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और 20 पुलिस डिपार्टमेंट की और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस ऐड करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत सुविधा होगी, बहुत कन्वीनियंस होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज ऑलमोस्ट हर सिटीज़न को चाहिए होती है। और जो रेवेन्यू की सर्विस ऐड करी है वो है जो फ़र्द की कॉपी लेनी है, तो वो रेवेन्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस जो अभी सिर्फ फ़र्द केंद्र के राही मिल रही थी तो वो भी अब आपको सेवा केंद्र के थ्रू मिल सकती है। इसी तरह पुलिस की सर्विसेज जैसे FIR की कॉपी और इस तरह की जो सर्विसेज हैं जो सांझ केंद्र के राही पुलिस अभी तक दे रही थी तो वो भी अब आपको सेवा केंद्र के थ्रू मिल सकती है। तो इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी और रेगुलरली गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विसेज की पेंडेंसी है वो मॉनिटर की जाती है और इंश्योर किया जा रहा है हर लेवल पे कि जो सर्विसेज हैं वो टाइम बाउंड तरीके से सिटीजन्स को मिलें
और जो पेंडेंसी लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 0.5-0.4% हैं, मतलब 99.5 सर्विसेज हम विद इन टाइम दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि लोग अब इन सर्विसेज का फ़ायदा सेवा केंद्रों के थ्रू उठाएंगे और इसी जो आईटी रेवोल्यूशन इस देश में आ रहा है तो उसका हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेता जयजीत सिंह जौहल द्वारा वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सोनिया बंसल के हक में चुनाव प्रचार किया गया और साथ ही उन्हें लड्डुओं से तोला गया। आपको बता दें कि बठिंडा की ग्रीन सिटी में सोनिया बंसल को लड्डुओं से तोलने के प्रोग्राम में भारी गिनती में उनके समर्थक पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेता द्वारा लोगों को संबोधन करते हुए इलाके में करवाए गए विकास कार्यों का जानकारी देते हुए और लोगों को आ रही समस्याओं का जल्द हल करवाने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान सोनिया बंसल ने अपनी जीत के लिए वार्ड वासियों को अपील कर कहा कि एक बार उन्हें सेवा का मौका दें ताकि वे अपने वार्ड वासियों की बेहतर सेवा कर सकें। आए हुए लोगों में भी सोनिया बंसल को जिताने के लिए भारी उत्साह देखा गया। मेरा नाम सुनील बंसल है, मेरे वाइफ सोनिया बंसल है, 5 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट। सर आज जो जो जी आए हैं है ना, किस तरह का मतलब प्रोग्राम सीगा, कितना घुंघारा लोगों का मिला? ये साडा जो ग्रीन सिटी 4-5 फेस कुछ पार्ट बाबा फरीद नगर का भी सी, उन्हें सांझी जी चोन सभा रखी हुई सी, श्री जयजीत सिंह जी जौहल आए थे, वोटा भी अपील करने वास्ते बहुत वधिया घुंघारा मिला। अपील की करते हैं लोगों का वोटर? अपील यही करते हैं वोटर नूं कि सानूं एक बार मौका दिओ, कांग्रेस पार्टी का मेयर बने ता जो बठिंडे की बहुत ही तरक्की हो सके। साढ़े फ्रांस मिनिस्टर साहब जो है हरियाणा उन्होंने हाथ से मेयर बठिंडे कांग्रेस का बन गया। साढ़े वार्ड तो ना जी 5 तो सोनिया बंसल भी खड़े हुए हैं, बहुत वो एजुकेटेड ने, समझदार भी ने, सूझवान भी ने। सानू पूरी उम्मीद है जी भी वो साढ़े ग्रीन सिटी के वार्ड वास्ते पूरी मतलब वधिया अपनी ड्यूटी निभाएंगे जी, उम्मीद है। तो बाकी ये भी ग्रीन सिटी वाले वालों कोई भी किसी तरह की भी कोई कसर नहीं छड़ी जाऊगी जी, इन्हों की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं अं और करते ही रहेंगे। तो बाकी इन्हों तो भी असं उम्मीद करते हैं कि जेडे इन्होंने वादे किए उन्होंने वादे से पूरे उतर जी। मैं सोनिया बंसल 5 नंबर वार्ड चो खड़ी हुई हाँ। सरदार मनप्रीत बादल जी ने मैं सीट दे के सेवा का मौका दिता, तो ग्रीन सिटी च अज प्रोग्राम रखा सी, जो जो साहब आए सी ते उन्होंने इत्थे होर भी काम कराने का वादा किया। तो अगे तो कोई भी मेरा परिवार तो मैं इस ग्रीन सिटी च जिथे 5 नंबर वार्ड च जिथे भी सेवा का सेवा कर 24 घंटे हाजिर रहूँगी सेवा करने के। हाँ जी, मेरा नाम हीना, मैं वार्ड नंबर 5 तो सोनिया बंसल जी खड़े हुए हैं। शी इज़ वेरी एजुकेटेड एंड मैनू उम्मीद है कि ये अपने वादिया तो खरे उतरनगे। तो अज जो जो जी आए सी उन्होंने भी इन्हों पूरा समर्थन दिता, तो असी ग्रीन सिटी तो इन्हों पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो असी सानू पूरी उम्मीद है कि ये जो जो वादे सानू कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, क्योंकि वट वी नीड, वट यंग पीपल नीड एन एजुकेटेड पर्सन एंड शी इज़ वेरी एजुकेटेड। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के चलते नजायज शराब बेचने वालों की तरफ से भी पैसे कमाने में तेजी लाई जा रही है, लेकिन वहीं चुनाव कमीशन की हिदायतों के अनुसार पंजाब पुलिस भी पूरी तरह चौकस हो चुकी है, ऐसे अंसरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मुखबर खास की इतला पर CIA स्टाफ बटाला की तरफ से नाकेबंदी के दौरान गांव कोली में एक ट्रैक्टर ट्राली को शक के आधार पर रोका गया। जब चेकिंग की गई तो उसमें से 375 पेटी नजायज शराब फर्स्ट चॉइस मार्का हरियाणा की बनी हुई बरामद की गई और ट्रैक्टर चालक मेहक दीप सिंह से एक रिवॉल्वर, 32 बोर और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं SSP बटाला रिशपाल सिंह ने बताया कि इस केस में 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 2 फरार हैं जिनकी तलाश। मानयोग इलैक्शन कमीशन वालों जो कि सख्त हदायत आई हुई सी कि लॉ एंड आर्डर मेनटेन किया जाए और नशे ठल पाई जाए, जेडे PO ने, स्केप ने, गैंगस्टर ने, समगलर ने, उन्होंने सख्ती के नाल फड़िया जाए और निपटिया जाए। सो ये तहत ही असी जोड़ा है वो पिछले दिनों तो एक कैसो प्रोग्राम जोड़ा हैगा वो चलाया हैगा, जिदे असी काफ़ी भारी तादाद से जी नजायज़ शराब लाण और ठेका अंग्रेजी शराब है वो फड़ी है, जिदे काफ़ी वड्डी रिकवरी भी हुई है।
सो ये तो अलावा असी 8 PO भी फड़े आ और इस तरह ही ये दौरान एक नजायज़ वैपन भी जिहड़ा है वह जब्त किया है और जिहड़ा ये कल सफलता मिली आ इहदे च इह थाणा घुमाण दे विच एक स्पैसिफिक इनपुट के आधार पर जिहड़ा है नाकाबंदी की साडे सी इंचार्ज ने श्री हरगोबिंदपुर सब डिवीजन के ऑफिशियल ने सो इहदे दौरान जिहड़ी है एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिहड़ी आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੜੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 375 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾ ਸੀ ਹਰਬੀਰ ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੇਪ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਸੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿਆ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਬੈਠਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੇ ਵਿਵਾਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੋ ਜਬ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਬੈਠਕ ਹੋਗੀ ਵਹੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕੋਈ BJP ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ BJP ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ BJP ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿੰਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹ ਛੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਭੜਵਾਏ ਉੱਠ ਗਏ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੀਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ
किसानों के हित च नहीं तो ही मैनेजमेंट बनते हैं। तो असी इन्हों पेल भी कहा खाली डब्बे का की करना है, तुम जरा इनू रद्द करो, इन्हों एम एस पी पूरे भारत लागू करो। तो अज ही जोड़ा वो मसले हल ने, तो जे देश के प्रधानमंत्री जबानी गुलामी कहें मनना वेखा उदों भी प्रधानमंत्री जी, मैं उन्होंने दसना चाहना है प्रधानमंत्री जी ये उही पंजाब है जिस पंजाब दे लोकां ने देश नू आज़ाद कराने वास्ते 80 to 95% कुरबानियां कले पंजाब ने उदों हिमाचल हरियाणा चंडीगढ़ ते पंजाब सारा कट्ठा सी 80 to 95% कुरबानियां निरोल सिखां दीआं ने। और इस तों पहलां भी अंग्रेज़ां नू कढ़न वास्ते जिहड़ियां इहतियां कुरबानियां तो उस तों पहलां अहमद शाह अब्दाली महमूद गजनी वर्गे उदों भी पंजाब जिहड़ा उन्हां नाल जिहड़ा सी लोहा लैंदा रहा। अज भी पंजाब अपना एक फर्ज समझ के जदों समुचे भारत के किसानों की पेट से लत वज रही सी, समुचे जिहड़े खपतकार ने हर जिन्हें दो जिस भी इंसान ने अपनी भुख मिटाउण वास्ते दो टाइम रोटी खा के पेट की भुख मिटाउणी आ जां चावल खा के उन्हां लोकां दी पेट से लत वज रही सी, ते पंजाब दे किसानां ने इकट्ठा होकर संघर्ष शुरू करके ते अज पूरे देश का जो संघर्ष बन गया और अज ये पूरे जन समूह बन चुका है और पूरे संसार का ये जिहड़ा ये अंदोलन बन चुका। सो इहनूं तुसीं आओ स्टेज पर आओ आओ सिंगू स्टेज पर किसी भी स्टेज पर जाके तुसीं जिहड़ी स्टेज तुहानूं चंगी लगदी आ उत्थे जाके ऐलान कर दिओ कि असी किसानों दीआं जिहड़ियां ये पंजाब दे सिखां दीआं जिहड़ियां कुरबानियां ने उन्हां नूं मुख रखदे हुए इन्हां ने संघर्ष शुरू किया है, ये सारे लोगों के हित में है। तो ये तिन्ने कानून रद्द तो एम एस पी पूरे भारत लागू तो बल्ले बल्ले हो जाऊगी, प्रधानमंत्री का लोग गुणगान करेंगे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपने चाचा के परिवार ने जमीन पर कब्जा करने की चाह से बटाला के नज़दीक गाँव मीरपुर में देवरानी ने विधवा जठानी का किया कत्ल। देवरानी ने विधवा जिठानी के सिर में रसोई कुकर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने चाचा चाची और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक सुरेंद्र कौर के बेटे परमजीत सिंह और जीजा सुरजीत सिंह ने बताया कि उसकी चाची और उसका परिवार पहले भी उनके साथ झगड़ा करते थे। जब वह बीती रात को घर आया तो उनका चाचा चाची और उनका बेटा उसकी माँ की पिटाई कर रहा था। उसकी चाची ने उसकी माँ सुरेंद्र कौर के सिर में रसोई कुकर मारकर उसकी हत्या कर दी और पहले भी उन्होंने उनके घर को आग लगा दी थी जिसका केस भी चल रहा है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको इंसाफ दिलवाया जाए। मृतक है कि सुरेंद्र कौर असी इन्हें परमजीत सिंह के लड़के के बयान से मुकदमा दर्ज करके 302 का जी अज लाश पोस्टमार्टम करवा के हवाले वारसा कर दी है तो जेडे दोषियों को गिरफ्तार करने वास्ते रेड किए जा रहे हैं। मेरे मम्मी लगते थे इन्होंने मैं घरों बारों आया अजे हमद्या रौला रौला पै रहा है। ये चाचा ही मेरा सगा जरा नाल चाची है वो बंगाल दी है बंगाल जिन्हों केंद्र कदेशन बंगाल की है उन्हें तो नाल चाचे के मुंडे ने जबरदस्ती अंदर वाड़ के तो कुकर ना काफ़ी ज़्यादा सिर मतलब कि एक साइड तो फेज दिता इन्होंने तो डंडे वगैरह इटा वगैरह मारिया और मार के खुद मेरे अखा के सामने भजे है मकान छाड़ते ही उदू भी इन्होंने अं केस वगैरह मुकदमा वगैरह करा करवाया है हूँ अं उस तो बाद किराए तो रहना पे नानके हरचवाल दोबारा इतने आए हैं इतने आने के इन्होंने फिर अं सोचा कि नहीं हूँ करे इदा अं चाचे होना मका पुराने मकाना च रहा पे अपना समान रख के कि अगले महीने तक मकान तैयार करा लेंगे। इन्होंने फिर हूँ काम करता मेरे कि जगह थी इलाके वो तो घर की जगह ही थोड़ी जी जी घटना देखो जी पहले इन्हें पुठे साड़ते थे उदो ही अपने को लै गए उत्थे ये मुड़ के अपने नानके किराए तो रहन लग पे ये फिर मुड़ के कह लगे भी साढ़े उत्थे कोठे जिहड़े पास होए आ जिहड़े म्योदी वाले तो अं वो करन आना वा इन्होंने आख्या भी सानू उत्थे छड्ड आओ मैं 4 तरीक इन्हें छड्ड के गया वा कोई इन्हें दुश्मनी नहीं कोई इन्हों का पैली बना नहीं सिर्फ वो कोठे चाड़ते रजस करके उदों ही इन्हों फड़ाया ही और रजस करके इन्हें मुड़ के फेंक रहे इन्हें मारता बेचारी पूरा जरा इंसाफ मिलना चाहिए वा ये बजे सुट्ट ही ना।
गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। अब राजेश मेहरा को दें इजाजत। जय जिनेंद्र।